अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ क्लीनिंग का। जैसे कि आप सभी को पता है, ईद के कुछ ही दिन बाकी रहते हैं, तो इसलिए मैं लगी हूँ क्लीनिंग करने के लिए। और ये रोज़ा इफ्तार के बाद से मैंने क्लीनिंग शुरू की है। और ये देखें, ऊपर वाली शेल्फ से मैंने सारा सामान, सारे बर्तन नीचे उतार लिए हैं वॉश करने के लिए। और अब मैं लगी हूँ जाले साफ़ करने के लिए। और मैं झाड़ू से जाले कभी भी साफ़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने छड़ी ली हुई है, स्टिक ली हुई है, इसी से मैं जाले साफ़ करती हूँ। और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाले सारे निकल जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि पड़ोस में एक घर बन रहा है, तो इतना ज़्यादा डस्ट आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह निकली थी घर में, जिसमें कि मैं डेली में भी डस्टिंग करती रहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा धूल आ चुकी थी घर में। और जिसमें कि घर हमारा ओपन नहीं है, पूरा घर हमारा बंद है, और फिर भी लेकिन इतनी सारी धूल आ गई थी। और मैं जब साफ़ कर रही थी तो काफ़ी सारी डस्ट निकल रही थी। और जैसे कि मेरे पास कोई लैडर वगैरह, कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है, तो मैं थोड़ा दिक्कत होती है उधर के साइड में बर्तन वगैरह लगाने में, बट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, लगा देती हूँ ऊपर चढ़ के। और ये मेरे बर्तन दूसरी साइड के उधर के लग गए हैं, उधर ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे बर्तन लगाने में। और ये मैंने फ्लावर्स वगैरह वॉश नहीं किए हैं, मैंने शबरात पे वॉश किए थे, तो इन्हें मैं ज़्यादा नहीं धोऊंगी क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा इन्हें धोते हैं तो अभी मैंने इनको ऐसे ही झाड़ के रख दिया है। और जल्दी जल्दी से मैं सभी बर्तन अपने लगाते जाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा धूल आ चुकी थी बर्तनों पर भी, इसलिए बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और फिर इन्हें मैंने लगाया था सुखाने के बाद। और घर की क्लीनिंग ना हो जब तक तो लगता नहीं है कि जैसे ईद आ गई हो। और जब घर की क्लीनिंग वगैरह कर देते हैं, घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब की बार वैसे मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ सफाई घर की क्लीनिंग ईद वगैरह पे, क्योंकि फिर से गंदा ना हो जाए। आजकल आंधी वगैरह आ रही हैं थोड़ा, इसलिए डस्ट वगैरह और ज़्यादा आ जाती है, तो मैंने सोचा था कि मैं तभी करूँगी दो चार दिन पहले, और मैंने ऐसे ही किया है। मैंने कल ही सारी क्लीनिंग की थी। और जाले वगैरह भी काफ़ी आ जाते हैं, तो जाले वगैरह निकाल लिए थे मैंने सबसे पहले। और उसके बाद मैं ये वाली शेल्फ भी क्लीन कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैं ये सारे शोपीस वगैरह जितने भी मेरे पास हैं गिफ्ट वगैरह, तो इनको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और उसके बाद में मैं करूँगी बेड को क्लीन। मेरे बेड पर भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा, और डेली मैं इसे साफ़ करती हूँ। और टू टाइम्स भी कभी मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, जैसे सुबह में और शाम में भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ जब ज़्यादा डस्ट आती है तो। और मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये ब्लैक इस पर पॉलिश है, तो ये इस पर डस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल होती है, तो इसे जल्दी से क्लीन करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा, वरना तो गंदा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, डस्ट इस पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसलिए मैं इसे क्लीन करते रहती हूँ टाइम टू टाइम। और उसके बाद में ये जितना भी मेरा मेडिसिन बॉक्स था छोटा सा, उसको क्लीन कर रही हूँ मैं निकाल के, सारा बास्केट थी सॉरी मेडिसिन की। और इसमें बाकी डेली के पर्पज़ से मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि मुझे अंदर से कोई चीज़ें ना निकालनी पड़े। और ये मेरे हस्बैंड मुझे मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं खाने के लिए। और ये मैंने क्लीनिंग शुरू की थी शाम से, रोज़ा इफ्तार के बाद से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है। ये दिन में मेरे और काफ़ी सारे काम थे, वो सब मैंने ख़त्म किए थे। कपड़ों को आयरन वगैरह करना था, कपड़ों को सेटल वगैरह करके, और उसके बाद में ये मैंने डस्टिंग वगैरह स्टार्ट की है क्लीनिंग शाम को रोज़ा इफ्तार के बाद। और ये सारे जो
सेक्शन है बेड के, ये भी मैं क्लीन कर लूँगी। और इसके अंदर टिशू पेपर निकला था, टिशू पेपर मेरे ख़त्म हो गए थे किचन में, तो मैं इसको लेकर जा रही हूँ किचन में। और मैंने टिशू पेपर के लिए एक बैग बनाया हुआ है किचन में, तो मैं उसमें आधा पैकेट डाल के आ गई हूँ और आधा पैकेट मैंने फिर से रख दिया है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब फिर से मैं इसे उसमें डाल के यूज़ कर लूँगी बैग में। और उसके बाद में मैं करने लगी हूँ पंखे को क्लीन। और यकीन मानिए पंखे पर से भी बहुत ज़्यादा डस्ट नीचे गिरी है, और काफ़ी मैंने पंखे को क्लीन करने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक वो क्लीन भी हो गया है। और उसके बाद में मैं सारी ये ड्रेसिंग वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी हैं वेट कपड़ा लेकर कॉलिन से, और ये सभी जो जितना भी कचरा मोटा मोटा निकला है वो सभी मैं इस बैग में भर दूंगी। ये पंचिंग बैग का पैकेट था तो इसमें मैं सारा कचरा भर लूंगी और अच्छे से झाड़ू लगा लूंगी ताकि सारा कूड़ा निकल जाए। और उसके बाद में मैं लगाने लगी हूँ मॉप, और मॉप लगाने के बाद में घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। और ये भी मैंने अच्छे से बाहर ले जाकर झाड़ लिया था इनको, और ये देखें मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये बास्केट मैंने ऊपर रख दी है, जो मैंने अलमीरा में रखी थी उसे मैंने ऊपर रख दिया है। और ये मेरा ड्रेसिंग वगैरह सब मैंने क्लीन कर लिया है, और ये LCD वगैरह, और यहाँ से यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी डलने बाकी रहते हैं, कर्टन्स वगैरह मैं एक दो दिन के बाद डालूँगी, एक दो दिन के बाद ही कर्टन्स लगाऊंगी। और ये मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे बास्केट के ऊपर स्टिच करने के लिए। उसके बाद में मैंने वीडियो शुरू की थी शहरी से, और शहरी के टाइम से मैं फिर दोबारा से क्लीनिंग करने लगी थी किचन की। फिर ये सारे बर्तन उतार लिए थे, और ये सारे ऊपर के शेल्फ के ही बर्तन हैं, यहाँ के हैं कुछ, और कुछ ऊपर जो शीशे वाली शेल्फ थी उसके बर्तन हैं, और बाकी मैंने ड्रॉर के बर्तन बाद में निकाल के क्लीन किए थे। और इन सभी को अच्छे से धो के मैंने लगा दिया है। और ये न्यू वाली ट्रे मेरी, और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, ये देखिए कितना डस्ट आता है घर में। और ये सभी को मैं क्लीन करूँगी और फिर यहाँ पर लगाऊंगी। ये कम यूज़ में आने वाले बर्तन हैं जो कभी कभी यूज़ में आते हैं। मिट्टी की हांडी है मेरी क्यूट सी, इसमें कभी मुझे चिकन बनाना होता है तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, और ये कुकर को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये लिड को ढक्कन को भी मैंने अच्छे से धो लिया है भगोने के। और भगोने बहुत ज़्यादा भारी थे इसलिए मैंने ऊपर से नहीं उतारे। और ये देखें मेरा पूरा किचन हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन, और नीचे की ड्रॉर्स भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी निकाल के, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। जब क्लीनिंग वगैरह कोई काम करते हैं तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, याद नहीं रहता है कि वीडियो बनानी है, स्किप हो जाती है कई चीज़ें वीडियो में डालना, इसलिए वीडियो नहीं बन पाती है कई सारी चीज़ों की। और ये मेरा गैस एकदम क्लीन हो गया है, और ये है मेरे रूम का फाइनल लुक। ये बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी। ये मेरे बेटे की बुक शेल्फ भी मैंने सेट कर दी थी, और ये वाला सेक्शन भी मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये भी मेरे बर्तन वगैरह हो गए एकदम नीट एंड क्लीन, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हॉट पॉट वगैरह रखे हुए थे वो सब मैंने निकाल के रख दिए हैं। और सारी क्लीनिंग करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, अब लग रहा है कि ईद आने वाली है। मैंने मॉप भी लगा लिया है और एकदम साफ हो गया है मेरा रूम। और फाइनल लुक की वीडियो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी,
और ये जो मैंने बास्केट अपनी अलमीरा से निकाल के ऊपर रखी है, और ये वाली बास्केट को मैंने इस तरह से यूज़ किया है स्टोरेज के लिए। इसमें मेरे और मेरे बेटे के कुछ कुछ कपड़े हैं, वो मैंने वहाँ पर सेट कर दिया है उसको। और ये मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है क्लीन होके। और यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हुई थी वो सब मैंने यहाँ से हटा दिया है, और पूरा किचन क्लीन करने के बाद मैं शहरी में ही मैंने ये सब कर दिया है। और फिर मैं आराम से नमाज़ वगैरह मैंने पहले ही पढ़ ली थी, उसके बाद मैं क्लीनिंग में लगी थी। और ये मैंने स्टूल को यहाँ पर सेट किया है, और ये वाटर कूलर अभी मेरा ठीक नहीं हुआ, इसमें टंकी मुझे लगानी है। और ये वाला पोर्शन भी मैंने क्लीन किया है, ये वाला एरिया शोपीस एरिया है, इसमें सारे शोपीस लगे हुए हैं, और उसके ऊपर कुरान शरीफ वगैरह और मेरी हदीस है, और इधर बैंगल बॉक्स मैंने रखा हुआ है। और इससे नीचे कुछ क्रॉकरी और ग्लासवेयर मैं रखती हूँ इस वाले सेक्शन में, और कुछ शोपीस और ग्लासवेयर और कुछ क्रॉकरी रखती हूँ इसमें। और उससे नीचे स्पाइसेस बॉक्सेस हैं, और उसके नीचे सारे बॉक्सेस हैं हमारे सैंडल्स वगैरह के, जो कि मैंने बॉक्स में रख करके रखे हैं। और ये वाले कर्टन्स अभी मेरे बाकी रहते हैं धुलने के लिए, और ये किचन वाले, तो ये दोनों कर्टन्स अभी मेरे रहते हैं धोने के लिए, और बाकी सारे कर्टन्स मैंने धो दिए हैं। और बाहर का पोर्शन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, वॉश बेसिन एरिया और वो सारा सेक्शन मैंने अच्छे से क्लीन किया है। और उसके बाद में ये सीधा शाम का मैं आपके साथ इफ्तारी शेयर कर रही हूँ। मैंने आज का भी रूटीन ज़्यादा नहीं शेयर किया है, आजकल वीडियो सही से नहीं बन पा रही हैं, नहीं हो पा रहा है, काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा चुन्नू उन्नू सा बना है, बट अगर आपको मेरा व्लॉग ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।